स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑलरेडी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है सर, तो हम लोग रिवीजन ले रहे लेक्चर से। मेरा वॉइस आ रहा है क्लियर स्टूडेंट्स? सेबा सर आपके यहाँ डिस्टर्बेंस आ रहा है आवाज बच्चों का। हेलो। यस सर। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड नेटवर्क का इश्यू आज बहुत है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आज अपना लेक्चर अच्छे से हो पाएगा, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आज हम लोग लेक्चर ले। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई होप आपको मेरा बोर्ड एंड वॉइस क्लियर आ रहा है सबको। चिराग सर। सर वीडियो इज फुल। और यस सर। ओके, वाईफाई कनेक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर यू माइट बी अवेयर अबाउट एटम्स। क्या होते हैं एटम्स, कोई बताएगा मुझे? व्हाट आर एटम्स? स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल। ओके, स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल। और any other information about atoms? ये पूरा chapter जो है physics में भी पढ़ेंगे, atom, molecules and nuclei जो है physics में भी है chapter और chemistry में भी है, उसमें थोड़ा detail में है, और यहाँ पर with respect to chemistry आप बहुत detail में पढ़ेंगे structure of atom। Okay, so atom smallest unit of matter। Okay, it is a unit of matter। Okay, smallest part of an element, smallest particle of an element। Okay, can you distinguish between matter, element and atom? Element and matter kya hota hai? What is matter actually? Good evening Jahan, what is matter? Anything that possesses mass. Which possesses mass? A group of element. Okay. The matter which occupies space and has mass. Okay. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट किया था और अभी हमारा जस्ट रिवीजन लेक्चर है। तो एटम्स आपको पता है क्या होता है? मैटर, मैटर इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और व्हिच ऑक्यूपाइज मास एंड व्हिच हैज सम स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज मैटर। व्हाट इज एन एटम? एटम इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एज एटम। ओके, तो एटम का थियरी वहां से स्टार्ट हुआ।
और सबसे पहले आपको पता होगा क्वांटम के बारे में, कुछ पता है क्या? क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स आपने सुना होगा कुछ? क्वांटम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम? क्वांटा, क्वांटम मींस हैविंग द बैग्स ऑफ एनर्जी और द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम. ओके, क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स आने के बाद, क्वांटम केमिस्ट्री के आने के बाद हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो गई. पहले के जमाने में जो सेलफोन्स होते थे, जो कंप्यूटर्स होते थे, वो एक रूम के समान होते थे, बहुत बड़े होते थे. बट क्वांटम केमिस्ट्री के आने के बाद, क्वांटम फिजिक्स आने के बाद, उसकी जो साइज है वो छोटे होने लगे, कॉम्पैक्ट साइज के होने लगे. ओके, जैसे एग्जाम्पल देखो, पहले से एंड्रॉयड फोन नहीं था, पहले नॉर्मल फोन आते थे, करेक्ट? और फिर बाद में अपने कितने सालों के बाद एंड्रॉयड आया. फिर उसके बाद हमें मेमोरी के लिए हार्ड डिस्क लेना पड़ता था, बड़ी हार्ड डिस्क लेना पड़ता था स्टोरेज के लिए, करेक्ट? अभी तो अपना मेमोरी कार्ड में सारी चीजें स्टोर हो जाती है. तो क्या हो गया, साइज डिक्रीज होने लगी. एंड बिकॉज ऑफ दैट, एंड दैट इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री एंड क्वांटम फिजिक्स. एंड क्वांटम इज नथिंग बट द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम. तो ये हम लोग ने सब आपको आई थिंक पता होगा, और ये आप डिटेल में पढ़ने वाले फिजिक्स के अंदर. ओके, एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियर चैप्टर उसमें आप पढ़ने वाले हैं. सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होगा कि पहले के जमाने में बहुत सारे साइंटिस्ट लोग एक साथ मर्ज्ड होके, उसमें इंडियन साइंटिस्ट भी थे, वो लोग ने एटम्स के बारे में स्टडी करना डिस्कस किया. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था, दैट वॉज नथिंग बट डाल्टन. डाल्टन हैज टोल्ड कि एटम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, करेक्ट? और सारे एटम्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सबकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, सबकी प्रॉपर्टीज सेम होती है सारे एलिमेंट्स की. बट उसकी थ्योरी जो है वो कुछ हद तक एक्सेप्ट किया गया, बट आफ्टर सम टाइम इट वॉज प्रूव दैट हिज थ्योरी वॉज रॉन्ग, बिकॉज वहां पर आइसोटोप्स आ गए, आइसोबार्स आ गए. आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, ये आपको थोड़ा डिटेल में पता होगा. आइसोटोप्स होते हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं. तो डाल्टन ने क्या बोला था, सब चीज सेम है, एलिमेंट्स के सब सेम होते, बट आइसोटोप्स और आइसोबार्स आने के बाद उसकी थ्योरी को रिजेक्ट किया गया. आवाज आ रहा है क्या उसकी थ्योरी को? हाँ सर आ रही है आवाज. रिजेक्ट किया गया. फिर एटम्स, बहुत उसने बोला कि एटम्स के अंदर कुछ नहीं होते, बट एटम्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, दैट इज नथिंग बट प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. और भी बहुत सारे एलिमेंट्स अभी जस्ट रिसेंटली केमिस्ट्री के और फिजिक्स के अंदर, अभी जस्ट रिसेंटली यूएस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर 2 जन को और फिजिक्स के अंदर 3 जन को नोबेल प्राइज मिला है. देवर आई होप मैंने आपको एक इमेज भी सेंड किया होगा, सर ने आई होप आपको सेंड किया होगा. अभी जस्ट रिसेंटली एक 1 month बिफोर केमिस्ट्री में 2 जन को मिला है और फिजिक्स में 3 जन को मिला है. एंड देवर स्टडिंग अबाउट प्रोटोन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज द ब्लैक होल कंसेप्ट. ब्लैक होल में क्या है, वॉट इज द मिस्ट्री बिहाइंड द ब्लैक होल, तो वो भी उसके बारे में भी साइंटिस्ट लोगों ने पता किया एंड दे गॉट द नोबेल प्राइज. जस्ट रिसेंटली अभी हुआ है वो. सो मेनी साइंटिस्ट केम एंड पता लगाया कि एटम्स के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे चीजें होती है. यस, वेरी गुड जहान, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स. और भी पाए गए हैं, मेजॉन्स भी पाए गए हैं, पायॉन्स भी होते हैं, मेजॉन्स भी होते हैं, फोटॉन्स भी होते हैं. ओके, वैसे ही जैसा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो आने वाले सिलेबस के अंदर वो भी चीजें इंक्लूड की जाएगी, बट हम लोग का मेजर जो कंपोनेंट होता है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हमारा सिलेबस है. तो हम लोग उसको डिटेल में स्टडी करेंगे. सो ये चीजें पाई गई कि एटम्स के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, द फर्स्ट साइंटिस्ट केम, द फर्स्ट साइंटिस्ट केम हु हैज डिटरमाइंड, हु हैज डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट अब यहाँ पर जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट. फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल मतलब दीज आर बेसिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन. इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन. पहले के जमाने में जे जे थॉमसन का बहुत नाम था एक्चुअली. ओके, जेजे थॉमसन, और उसने डाल्टन को रॉन्ग प्रूफ किया था कि ऐसा नहीं होता, मतलब
एटम्स जो है वो उसके अंदर भी एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, ओके, दैट इज नथिंग बट प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. सो व्हाट जे जे थॉमसन हैज डन, जे जे थॉमसन उस वक्त साइंटिस्ट लोगों का हेड था, ओके, व्हाट जे जे थॉमसन हैज डन, ही हैज टेकन वन कैथोड ट्यूब. आपके पास आई होप सबके पास अगर टेक्स्ट बुक होगा ना तो आप लोग सब ओपन करेंगे पेज नंबर 35 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 35 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. पेज नंबर 35 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. अब वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक इमेज दिखेगा 4.1, जहां पर आपको एक कैथोड रे का ट्यूब दिख रहा है, कैथोड रे ट्यूब. तो जे जे थॉमसन ने क्या किया, ही हैज टेकन वन कैथोड रे ट्यूब, ऐसा कुछ यस, नोबेल प्राइज, यस, वेरी गुड, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट. और उसने एक जगह कैथोड रखा और एक जगह एनोड रखा, एक जगह उसने कैथोडिक प्लेट रखा और एक जगह उसने एनोडिक प्लेट रखा. ये मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आपका डायग्राम दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर. और इसके पीछे उसने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल रखा, फ्लोरोसेंट, एक स्क्रीन रखा. अब ये क्या है मेरा, दिस इज एनोड प्लेट, दिस इज कैथोड प्लेट, दिस इज एनोड प्लेट और दिस इज कैथोड प्लेट. और उसने क्या किया, उसको एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, ओके. अब वहां पर क्या होने लगा, उसने एक अंदर कुछ गैस लिया था, अंदर यहाँ पर उसने कुछ गैस लिया था और उस गैस का जो प्रेशर था दैट वॉज 10^-3 mm. ये इसका प्रेशर था, ओके? कोई भी गैस लिया था उसने, हीलियम की, अमोनिया के कोई भी गैस लिया था और उसका प्रेशर जो था 10^-3 mm था, ओके? नाउ जब, और उसने कुछ इतना प्रेशर अप्लाई किया गैस का और जब उसने पोटेंशियल पास किया थ्रू दिस ट्यूब, कैथोड थ्रू दिस ट्यूब, तो उसने देखा, उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज जो है कैथोड प्लेट से निकल के जा रही है एनोड प्लेट की तरफ, कुछ रेज जो है वो कैथोड प्लेट से निकल के जा रही है एनोड प्लेट की तरफ, यहाँ जा रही है, ओके. और ये एनोड प्लेट वॉज पॉजिटिव, कैथोड प्लेट वॉज नेगेटिव, रेज, कुछ रेज निकल के जा रही है एनोड प्लेट की तरफ, ओके. तो इनविजिबल रेज थी वो. अब उसको कैसे पता चला, अभी इनविजिबल है तो उसको देखेगा कैसे, क्योंकि उसने इसके पीछे स्क्रीन लगाया था तो स्क्रीन जो है वो चमकने लगा था, स्क्रीन जो है वो शाइन होने लगा था, ओके. सो ही कंक्लूडेड दैट सम रेज इज गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम कैथोड टू एनोड, मतलब वो रेज जो है वो नेगेटिव चार्ज की होगी, वो रेज कौन सी होगी, नेगेटिव चार्ज की होगी और वो कैथोड से निकल रही है और कैथोड से निकल के पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो वो खुद नेगेटिव होगी. तो ये उसने ऑब्जर्व किया, किसने ऑब्जर्व किया, जे जे थॉमसन ने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज जो है वो निकल रही है. देन सेकेंडली ही फाउंड दैट, सेकेंड रीजन, सेकेंड थिंग ही फाउंड दैट कि जो रेज है ना वो सीधी लाइन में ट्रेवल कर रही है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, वो फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है. दिस वॉज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन ऑफ जे जे थॉमसन. And the third was, ये इसका observation था, and the third observation was, कि जो ये rays है, एक तो invisible है, और ये screen को shine कर रही है, और यहाँ पर fluorescent कर रही है, जो जो screen चमक रही है, उस process को बोलते हैं fluorescent. Fluorescent. What is the meaning of fluorescent? Fluorescent means shining. Fluorescence means shining. तो ये सब इसका observation था, और the pressure was 10^-3 mm. ओके? तो ये सब क्या था उसकी प्रॉपर्टी, ये सब क्या था उसका ऑब्जर्वेशन था. तो दीज आर ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑफ जे जे थॉमसन. तो जे जे थॉमसन ने एक और चीज किया, उसने क्या किया, अब उसने पता लगाया कि जो रेज निकल रही है ये कितनी तेजी से निकल रही है. तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, इसके बीच में उसने छोटे छोटे साइकिल्स लगा दिए. आपको आपकी आपको साइकिल के व्हील्स पता होंगे, साइकिल के व्हील्स आपको पता होंगे, ऐसा कुछ. तो उसने ऐसे छोटे छोटे व्हील्स लगा दिए बीच में. तो वो व्हील उसने ऑब्जर्व किया कि जो व्हील है ना
वो घूमना स्टार्ट हो गए, वो व्हील्स घूमना स्टार्ट हो गए. मींस ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो रेज निकल रहे हैं, दे पजेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन रोटेट दैट, विच कैन रोटेट दिस साइकिल, एंड दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी. तो वो उसने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो पेडल्स घूम, ये जो घूम रहा है, ये जो व्हील्स घूम रही है, वो रेस की वजह से घूम रही है, और वो रेस के अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी. मींस दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी. तो वो रेस के पास काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट है. तो ये सब इसके ऑब्जर्वेशन थे, किसके? जे जे थॉम्सन के. तो व्हाट वाज हिज ऑब्जर्वेशन? द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज कैथोड रेस having negatively charged. This was the first observation, negatively charged. Second observation, they travel in a straight line. ये जो rays है वो straight line में travel करते हैं. Third was, they possess kinetic energy. तो वो rays के पास kinetic energy है, जो कि wheels को rotate करने के लिए काम आ रही है. कौन है? फोर्थ, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. ये जो रेज है ये स्मॉल पार्टिकल्स की बनी हुई है. दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. यस डेफिनेटली, ये जो रेज है ये खुद नेगेटिव है, तो वो किसके तरफ जाएगी? वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगी. ये सब इसके ऑब्जर्वेशंस थे, किसके? जे जे थॉम्सन के. दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस. यस डेफिनेटली, ये फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये स्क्रीन को शाइन कर रहे हैं. अब यहां पर क्या हुआ, जे जे थॉम्सन ने दिमाग लगाया. जे जे थॉम्सन ने जो गैस लिया था यहाँ पर, मान लो जे जे थॉम्सन ने हीलियम गैस लिया होगा, उसने गैस को चेंज कर दिया, उसने गैस को चेंज करके कोई और गैस ले लिया, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कोई भी गैस ले लिया उसने, हाइड्रोजन, मान लो हाइड्रोजन ले लिया. तो उसने ऑब्जर्व किया कि गैस के चेंज करने से ये सिस्टम चेंज नहीं हो रहा, जो पहले था वैसी ही है. ये फ्लोरोसेंस मिल रहा है, उतना ही रेज निकल रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कैथोड से निकल रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है, और पेडल्स मूव हो रहे हैं. ये सेम ऑब्जर्वेशन था गैस चेंज करने के बावजूद भी, गैस चेंज करने के बाद भी सेम ऑब्जर्वेशन था. तो व्हाट ही कंक्लूडेड, उसके बाद उसने क्या कंक्लूड किया कि ऑन चेंजिंग द गैस और गैशियस मटेरियल, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस रिमेन्स द सेम. कैथोड रेस की जो प्रॉपर्टीज है ना, जो भी मैंने आपको बताया, वो उसकी सेम है. गैस चेंज करने के बाद भी वो चेंज नहीं हो रही है. तो दीज आर सम ऑब्जर्वेशंस ऑफ जे जे थॉम्सन. द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेस आर फंडामेंटल. ये क्या है? कैथोड रेस जो रेस, ये जो कैथोड रेस जो रेस निकल रही है, कैथोड प्लेट से निकल रही है, तो उसका नाम क्या दिया उसने? कैथोड रेस दिया. ओके, सो जे जे थॉम्सन का ये सब ऑब्जर्वेशन था. लाइट का कलर, अरीन लाइट का कलर भी चेंज नहीं हुआ. अरीन सेम था, एवरीथिंग वुड बी सेम. ये शाइन ही हो रहा था, जैसे पहले शाइन था वैसे ही शाइन हो रहा था. ओके, और कलर ऑफ द लाइट जो है वो डिपेंड है विजिबल रीजन के अंदर. ओके, विजिबल लाइट के ऊपर डिपेंड है. ओके, मेन उसका लाइट से कुछ लेना देना नहीं था यहाँ पर, सिर्फ इसका यह ऑब्जर्वेशन था कि जो रेज निकल रही है इसका, इसके अंदर कुछ चेंजेस आता है क्या. तो उसने ऑब्जर्व किया कि कोई चेंजेस नहीं आ रहा है. तो दिस वाज हिज ऑब्जर्वेशन. सो जे जे थॉम्सन ने ये सारे पॉइंट्स अपने डायरी में लिख के कंक्लूड किए, और सारे साइंटिस्ट लोग के पास उन्होंने रखा. ओके जहान, इसका कंक्लूजन क्या था कि गैशियस का, गैशियस एटम को जब उसने गैशियस को, गैस को चेंज किया, तो ये जो रेज जो थे निकल रहे थे कैथोड से, कैथोड प्लेट से, वो जैसे पहले निकल रहे थे वो बाद में भी वैसे ही निकल रहे हैं. ये इसका ऑब्जर्वेशन था जे जे थॉम्सन का. इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा था, और पैडल्स, पैडल व्हील मूव हो रहे थे सेम जैसे पहले मूव हो रहे थे. गैशियस गैस को चेंज करने में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था. तो ये सब इसका ऑब्जर्वेशन था जे जे थॉम्सन का. तो जे जे थॉम्सन ने क्या किया? यस जहां, तो जे जे थॉम्सन ने क्या किया, ही हैज फाउंड चार्ज टू मास रेशियो. आपको पता होगा ये चीज, चार्ज टू मास रेशियो. चार्ज को डिनोट करते हैं ई से, और इसको एम से.
तो ही हैज फाउंड आउट द चार्ज टू मास रेशियो, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया रहेगा, वो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, या आपको फिजिक्स में पता चलेगा कि वो किसने कैसे बताया. ओके, तो चार्ज टू मास रेशियो उसने कैलकुलेट किया एंड दैट वाज नथिंग बट इसका जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम डिवाइडेड बाय 9.1 × 10⁻³¹ केजी. ये इसने पता किया जे जे थॉम्सन ने, और जब उसको डिवाइड किया ही हैज गॉट द आंसर 1.75 × 10⁻¹ⁱ कूलम पर केजी. ये इसको एक वैल्यू मिला एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज टू मास रेशियो ये फिक्स्ड हो गया उस इस रेस के लिए फिक्स्ड हो गया एंड दैट्स व्हाई ही हैज गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दिस. उसने एक एक्स्ट्रा काम किया था. अब ये पूरा जो सेटअप है ये जे जे थॉम्सन अकेला नहीं कर रहा था, इसके साथ बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे. इसके साथ माइकल फैराडे भी लगा हुआ था, इसके साथ थोड़ा ब्रदरफुड भी लगा हुआ था, मैक्सवेल भी थोड़ा लगा हुआ था, मतलब सारे साइंटिस्ट इसको सपोर्ट कर रहे थे एंड जे जे थॉम्सन वॉज द मेन इन दैट. उसने सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करता था और उसको हेल्प भी थोड़े लोग करते थे. माइकल फैराडे इससे ज्यादा, माइकल फैराडे ने इसके ऊपर काम किया है. ओके, ये रेस के ऊपर माइकल फैराडे ने काम किया है. माइकल फैराडे का आपको लॉ पता होगा, माइकल फैराडे के कुछ लॉस पता होंगे आपको, इलेक्ट्रोलिसिस लॉ आपको पता होगा. फैराडे ने बोला था फैराडेस फर्स्ट लॉ, फैराडेस सेकंड लॉ. तो वही प्रिंसिपल पे जे जे थॉम्सन ऑल्सो वॉज वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल. ओके, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बाद में फाइंड हुई थी ना, ये बाय एम रेशियो पहले आ गई थी. यस डेफिनेटली, पहले ये बाय एम तो ये बाय एम रेशियो आई थी. ये किसने पता किया था? जे जे थॉम्सन ने पता किया था, दैट्स व्हाई ही गॉट द नोबेल प्राइज. और हाँ, कोई डाउट है क्या? किसी ने हाथ उठाया स्टूडेंट? नो सर. ओके, सो ही हैज गॉट द नोबेल प्राइज. इसने एक एक्स्ट्रा काम किया था कि ई बाय एम रेशियो उसने पता किया था, जो कि फिक्स्ड हो गया, वो फिक्स्ड हो गया इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सॉरी कैथोड रेस के लिए. और उस कैथोड रेस का उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स. हाँ बोलो बोलो. वो चार्ज डिवाइडेड बाय मास है ना, वो रिपीट कीजिए ना एक बार. ओके, तो उसने क्या किया, जे जे थॉम्सन ने क्या किया, इसने कुछ एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यूज को पता किया, इस मास चार्ज को मास रेशियो को पता किया. तो उसने फाउंड किया कि इसका जो वैल्यू है चार्ज का, दैट इज नथिंग बट 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और इसका जो मास है दैट इज 9.1 × 10⁻³¹ केजी. मास इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इसका रेस का जो मास है, दैट वाज 9.1 × 10⁻³¹. यस अरिन, अरिन आपको कोई डाउट है? अरिन सर, e by m रेशियो एनोड के लिए क्या था? तो एनोड के लिए, एनोड एनोड के लिए e by m रेशियो, वो हम लोग प्रोटॉन से पता, प्रोटॉन से जब पढ़ेंगे तब देखेंगे. अब यहाँ पर जे जे थॉम्सन ने सिर्फ कैथोड के बारे में डिस्कस किया है, और रेस या कैथोड से निकल रही है ना, इसलिए वो कैथोड का ई बाय एम रेशियो पता किया. एनोड का भी कुछ आसपास वैसे ही रहेगा, वो हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे. ओके, तो सर उसका भी फिक्स्ड ही होगा? नहीं, उसका चेंज होता है, उसका थोड़ा सा चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है. क्यों? उसके पीछे रीजन है. उसके पीछे क्या रीजन है? कि उसके गैशियस एटम को चेंज करने पे ना, उसके उसका स्पीड, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता है. तो उसका थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, डिपेंड्स ऑन द गैशियस एटम. ओके, बट इसका फिक्स्ड होता है. ओके, तो ई बाय एम रेशियो उसने पता किया था, दैट्स व्हाई ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दैट, जे जे थॉम्सन को. और ये पूरा वैल्यू जो है उसने खुद से कैलकुलेट किया था, उसने मैथमेटिकली कुछ फिजिक्स से डेरिवेशन अप्लाई करके उसने वैल्यू को कैलकुलेट करके ही हैज गॉट द 1.75 × 10⁻¹⁹ कूलम पर केजी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही गॉट द नोबेल प्राइज. सो दिस वॉज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और वो कैथोड रेस को उसने नाम क्या दिया? इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया. Have you understood, students, about the discovery of electrons? Yes, sir. Okay. Electrons का discovery कुछ ऐसा हुआ था. और आपके textbook के अंदर पूरा दिया हुआ है, page number 35 पे पूरा chart, पूरा diagram दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं. तो rough diagram बनाया मैंने. This was the discovery of electrons. Okay. उसकी सारी properties भी मैंने आपको बता दी. Next आया scientist called as Rutherford. रदरफोर्ड नहीं आया, रदरफोर्ड बहुत बाद में था. कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज होते हैं. यस डेफिनेटली कैथोड रेस नेगेटिवली चार्ज होते हैं. नेक्स्ट साइंटिस्ट के
प्रोटॉन. नेक्स्ट साइंटिस्ट केम, दैट इज नथिंग बट गोल्डस्टीन. प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया किसने? गोल्डस्टीन ने. एक्चुअली रदरफोर्ड ने भी इसके ऊपर बहुत डिस्कस किया है. रदरफोर्ड का नाम है प्रोटॉन्स के अंदर, बट गोल्डस्टीन ने इसको स्टार्टअप किया था. गोल्डस्टीन ने स्टार्ट, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. एक्चुअली ऐसा नहीं है. ओके, किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन का आइडिया था पूरा ये. रदरफोर्ड उसके ऊपर काम कर रहा था. रदरफोर्ड वाज वर्किंग ऑन दैट, बट आइडिया ऑफ डिस्कवरिंग इज ऑफ गोल्डस्टीन. बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में भी गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ऑप्शन में रहता है, बट आंसर इज गूगल पर रदरफोर्ड दिया है. नहीं नहीं, गोल्डस्टीन ही रहेगा, गोल्डस्टीन. क्योंकि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में भी, यहाँ तक कि मेरा एंट्रेंस एग्जाम में भी, हमारे एंट्रेंस एग्जाम में, सेट एग्जाम में ये आया था, मैंने रदरफोर्ड टिक करके आया था, बट आंसर वॉज गोल्डस्टीन. आंसर वॉज गोल्डस्टीन. ओके ओके, सो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. द प्रोटॉन्स डिस्कवर कैसे हुआ, ध्यान से देखना. प्रोटॉन्स डिस्कवर कैसे हुआ, सेम चीज गोल्डस्टीन ने अप्लाई किया. क्योंकि पहले के जमाने में क्या था, एक साइंटिस्ट कुछ करता था ना, कुछ साइंटिस्ट जो पहले करता था, मतलब जो भी साइंटिस्ट जो भी पहले करता था उसके पीछे सब लोग जाते थे. जैसे अभी जेजे थॉमसन ने क्या किया, जेजे थॉमसन ने एक कैथोड रे ट्यूब लिया, उसने कैथोड प्लेट एनोड प्लेट लगाया, कुछ प्रेशर लगाया, गैस लिया, और उसने देखा कि कुछ रेज निकल रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं. तो सेम साइंटिस्ट अभी गोल्डस्टीन आया, उसने भी यही सेम एक्सपेरिमेंट किया. ही हैज अगेन टेकन वन ट्यूब, वन कैथोड रे ट्यूब. उसने भी एक ट्यूब लिया सेम जैसा जेजे थॉमसन ने लिया था, एंड उसने प्रेशर थोड़ा ज्यादा रखा. जेजे थॉमसन ने प्रेशर रखा था 10^-3, इसने रखा 10^-1. 10^-1, तो प्रेशर उसने बढ़ा दिया, थोड़ा सी प्रेशर उसने बढ़ा दिया. तो जब उसने थोड़ा प्रेशर बढ़ाया गैस का, he found that some rays are not, कुछ रेज जो है वो अब एनोड से निकलना स्टार्ट हो गई है कैथोड के बदले. एनोड से निकलना स्टार्ट हो गई है कैथोड के बदले, मतलब एनोड प्लेट से निकल के कहां जा रही है, कैथोड प्लेट की तरफ जा रही है. ओके, सो दिस वॉज द ऑब्जर्वेशन ऑफ गोल्डस्टीन. उसने प्रेशर बढ़ा दिया, और उसने क्या किया, प्रेशर बढ़ाने के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि रेस एनोड से निकल के कहां जा रही है, कैथोड की तरफ जा रही है. अब उसको ये कैसे पता चला, ये वो भी इनविजिबल रेस थी. उसने क्या किया, स्क्रीन कैथोड की तरफ लगाया. उसने स्क्रीन यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ पर दिस वॉज एनोड. यहां से कुछ रेस निकल के कहां जा रही है, यहां पर जा रही है. अब यहां पर उसने जो प्लेट लेते थे ना, ऐसा लेते थे, ऐसा क्यूब फॉर्म में, इसको बोलते हैं परफोरेटेड फॉर्म. क्या बोलते हैं? परफोरेटेड और क्यूब फॉर्म, और क्यूब फॉर्म, परफोरेटेड फॉर्म और क्यूब फॉर्म. तो कुछ रेस निकल के जा रही है कहां से, कहां पर, एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है. और ये जो प्लेट है, ये जो सॉरी स्क्रीन है, ये वापस से क्या दिखा रही है, फ्लोरोसेंस दिखा रही है. क्या दिखा रही है? फ्लोरोसेंस. फ्लोरोस मतलब शाइनिंग. तो ये सब इसका ऑब्जर्वेशन था. और एक्चुअल में जो रेस निकल रही थी ना, दैट वॉज कलर्ड रेस निकल रही थी. ओके, और ये कहां जा रही थी, कैथोड प्लेट की तरफ जा रही थी. दिस वॉज कैथोड प्लेट एंड दिस वॉज एनोड प्लेट. उसने यहाँ भी स्क्रीन रखा था, यहाँ भी उसने ये रखा था. उसको थोड़ी पता था कि शाइनिंग यहीं से होगा, तो दोनों तरफ उसने रखा था. ओके, एक्चुअली पहले यहाँ नहीं रखा था, पहले उसने यहीं पर ही रखा था, फिर उसने जब चेंज किया तब यहाँ पर शाइन होने लगा. जब यहाँ पर शाइन हुआ तब उसको पता चला कि एनोड से निकल के रेस कुछ कैथोड की तरफ जा रही है. तो दिस वॉज हिज ऑब्जर्वेशन. सेकेंड ऑब्जर्वेशन वॉज, उसने क्या ऑब्जर्व किया, कि जो रेस निकल रही है वो कलर्ड है. थर्ड, दैट रेस इज नथिंग बट पॉजिटिव चार्ज रेस. जो रेस निकल रही है वो नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो वो रेस खुद पॉजिटिव होगी. एंड दैट पॉजिटिव रेस इज नथिंग बट एनोडिक रेस. दैट पॉजिटिव रेस इज नथिंग बट एनोडिक रेस. दिस वॉज हिज ऑब्जर्वेशन. अभी
ये जो रेस आ रही है ये आ कहां से रही है, ये रेस आ कहां से रही है? अभी जो एनोडिक, ये जो एनोड प्लेट है, इसमें से आने के बाद यहाँ पर अपने गैशियस मॉलिक्यूल्स है, गैशियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है बीच में, क्योंकि गैशियस एटम लिया है, गैस लिया है, किसने लिया है? गोल्डस्टीन ने। उसका प्रेशर कितना है? 10^-1 MMHg। अभी जो रेस निकल रही है ये पहले गैशियस एटम से टकराएगी, अभी गैशियस एटम से टकरा रही है, और जब गैशियस एटम से टकराएगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। गैशियस एटम से एनोड रेस टकरा रहे हैं और उससे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं, तो गैशियस के एटम्स के ऊपर जो छोटे छोटे एटम्स है उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये लोग साथ में जाएंगे कहां पर? इस तरफ जाएंगे, कहां पर? एनोड प्लेट की तरफ जाएंगे और बहुत ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज नथिंग बट फ्लोरोसेंस। तो यहाँ पर कैथोड रेस से भी निकलते हैं कुछ रेस, बट यहाँ पर गैशियस के भी रेस निकल रहे हैं और एनोड प्लेट से भी रेस निकल रहे हैं, तो वो रेस हमें दिखते नहीं है, जो कैथोड और एनोड की तरफ जाने वाले रेस नहीं दिखते हैं। ओके, यहाँ भी थोड़ा शाइन होता है बट इसके मुकाबले में यहाँ पर शाइन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उसने प्रेशर को बढ़ा दिया था। सेकेंड उसने क्या किया? व्हाट ही डिड, द नेक्स्ट स्टेप व्हाट ही डिड, उसने क्या किया? ये इसने गैशियस एटम को हटा दिया, दूसरा गैशियस एटम ले लिया, दूसरा। सो व्हाट ही फाउंड, जब उसने दूसरा गैशियस एटम लिया, ही फाउंड दैट ये जो रेस निकल रही है ना, कुछ पॉइंट पे ज्यादा निकल रही है और कुछ पॉइंट पे कम निकल रही है, और कुछ पॉइंट पे स्ट्रेट जा रही है और कुछ पॉइंट पे ऐसा वेव फॉर्म में जा रही है, ऐसा वेव फॉर्म में जा रही है। ओके, सो दिस वाज हिज ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पर भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, यहाँ पर भी फ्लोरोसेंस का फ्लक्चुएशन हो रहा है, कुछ केसेस में फ्लोरोसेंस ज्यादा हो रहा है, कुछ केसेस में फ्लोरोसेंस कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन है, ये जो एनोड रेस है इट डिपेंड्स ऑन द गैशियस एटम और गैशियस स्पीशीज, whereas cathode rays does not depend on gaseous atom or gaseous species. I hope आपको समझ रहा होगा students. Yes sir. Okay. So this was his observation. अब यहाँ पर they depend on nature of the gas. वो nature of the gas पे depend होते हैं. अब यहाँ पर कुछ बच्चे समझते हैं कि anode rays are nothing but protons. Anode rays are nothing but protons. देखो cathode rays are nothing but electrons. कैथोड रेज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स इन कैथोड रे ट्यूब, दिस ट्रैवल कैथोड टू एनोड, दे डज नॉट डिपेंड ऑन गैसेस आयन, व्हेयरएज़ इन गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट रेज़ ट्रैवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड, देन इट डिपेंड्स ऑन गैसेस एटम एंड एनोडिक रेज़ आर प्रोटॉन्स। बच्चे समझते कैथोडिक रेज़ आर इलेक्ट्रॉन्स, एनोडिक रेज़ आर प्रोटॉन्स, बट ये रॉन्ग है, एनोडिक रेज़ आर नॉट प्रोटॉन्स, एनोडिक रेस आर नॉट प्रोटॉन्स, एनोड रेस और प्रोटॉन्स दोनों अलग अलग है, कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, बट एनोड रेस एंड प्रोटॉन्स आर नॉट सेम, व्हाई? बिकॉज़ एनोड रेस डिपेंड्स ऑन द गैशियस एटम और गैशियस आयन, तो उसको हम लोग प्रोटॉन्स कैसे बोल सकते हैं, हाइड्रोजन कैसे बोल सकते हैं? ओके, सो जब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस लेंगे ना, जब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस लेंगे ना और वो गैशियस हाइड्रोजन गैस के एटम्स जब टकराएंगे, रेस टकराएंगे इस कैथोडिक प्लेट से, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन्स, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन्स। कौन से वाले केस में? हाइड्रोजन गैस के केस में। Have you understood? Otherwise, anode rays yes, are not protons because they depend on the gaseous atom or gaseous species, और वो अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं। आई होप आपको समझ रहा होगा स्टूडेंट्स। Yes, okay. अच्छा रिपीट करो ध्रुव, ध्रुव वापस सुनो ध्रुव, once again, very good. Gas, ये जो अपने anode rays है, anode rays are not protons. Protons are different. Anode rays are different. Cathode rays and electrons are same. Cathode rays को electrons बोला गया, J.J. Thomson ने बोल दिया accepted. क्योंकि वहां पर gaseous atom के ऊपर depend नहीं था, यहाँ पर gaseous atom के ऊपर depend है, यहाँ पर ये जो rays है fluctuate हो रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, वेव फॉर्म में जा रहे हैं, फ्लोरोसेंस कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सब इसका ऑब्जर्वेशन था, इसका गोल्डस्टीन का।
जब उसने हाइड्रोजन गैस लिया अंदर, तब वहां पर फ्लोरेसेंस थोड़ा ज्यादा हो रहा था, बहुत अच्छे से हो रहा था, और रेस भी कुछ हद तक ज्यादा ट्रैवल कर रहे थे एनोड से कैथोड की तरफ, इसलिए उसने नाम दिया उस वक्त एनोड रेस का नाम दिया प्रोटॉन्स। कौन से केस में? जब उसने हाइड्रोजन गैस लिया, उसने उसको बोला प्रोटॉन्स। Have you understood? So anode rays and protons are different. Protons कब बोलेंगे? जब हम लोग हाइड्रोजन गैस उसके अंदर लेंगे तब उसको प्रोटॉन्स बोलेंगे। This was the conclusion of J.J. Thomson and Goldstein. Discovery of protons and discovery of electrons. Have you understood, students? Yes, sir. Okay. So in the next lecture, we will see the next lecture हम लोग देखेंगे J.J. Thomson का model, lump and pudding model देखेंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग बाकी की चीजें भी देखेंगे। J.J. Thomson ने भी प्लम्प एंड पुडिंग मॉडल किया था, वो भी हम लोग आगे देखेंगे और डिटेल में चैप्टर को अच्छे से और एक बार पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर। सिद्धार्थ सर, गुड आफ्टरनून। सिद्धार्थ सर, गुड आफ्टरनून।